हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? ऐसा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। और आज शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ कवांच और आलू की मिक्स सब्जी। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम कवांच को धो करके साफ कर लिए हैं और हम सबसे पहले इसको उबाल लेंगे 2 सीटी आने तक। तो हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी पानी। ज़्यादा पानी सूखता नहीं है तो 1 कटोरी तो हम गैस पर चढ़ा देंगे इसको। सबसे पहले कवास को हम गैस पर चढ़ा दिए हैं दोस्तों। तो तब तक मेरा कवास उबल है, तब तक हम मसाले को पीस लेते हैं। मसाले में बेसिक मसाला है जो हम यूज करते हैं, लहसुन, धनिया, मिर्चाई, जीरा, मिर्च, वही मसाला है, ज़्यादा मसाला नहीं है। तो मसाले को हम सिलवटे पर पीस रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। हम मसाले सिलवटे पर ही पीसते हैं। इस वीडियो में आप सभी को सिर्फ मैं यही दिखा सकती हूँ कि मेरा मतलब कोई भी काम करने का तरीका क्या है और कैसे करती हूँ। अपना बिहार का संस्कृति दिखा रही हूँ, बिहार के हाउसवाइफ कैसे काम करती है वही है। तो मसाला मेरा पिसा गया, अब हम इसको कटोरी में उठा लेंगे। तो मसाला मेरा देख लीजिए एकदम महीन पिसा गया। और सिलवटे पर का मसाला जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। तो और इधर मेरा कवांच भी उबला चुका है, तो कवांच को हम बंद कर देंगे। जल्दी से मैं गैस निकाल रहा हूँ कि जल्दी से मुझे सब्जी बनानी है इसलिए। तो कवांच को हम इस तरह से छिलका उतार लेंगे एक एक करके, आसानी से उतर जाता है छिलका इसका। छिलकों को हम आराम से उतार लेंगे। उधर मेरा कुकर में दाल बन रहा है दोस्तों। इसी तरह सारे कवांच का छिलका उतार लेंगे। देख लीजिए कितना आसानी से उतर रहा है। और इसका सब्जी बनाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। सिर्फ बनाने का तरीका हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी बनता है। तो देख लीजिए मैंने सारे कवांच का छिलका उतार लिया है। अब हम इसका छोटा छोटा पीसेस कट कर लेंगे। ऐसे छोटे छोटे पीस कट कर लेंगे हम सारे कवांच को। हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, आप लोग देख सकते हैं। और प्लीज़ दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि वीडियो बनाना मेरे लिए ज़रूरी है, तभी मैं वीडियो बना रही हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए, तभी आप कमेंट कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। तो सारे कवांच को हम इस तरह से पीसेस कट कर लेंगे। अब हम गैस को जला देते हैं। और आलू भी कट कर लिए हैं और प्याज, धनिया, मिर्चाई जो भी कट करना था हम सब कुछ कट कर लिए हैं। और इधर लाइट कम आ रहा है दोस्तों, क्योंकि मैं उधर जो रेक है उस पर खाना बनाती हूँ, रखती हूँ। छोटा सा है, उस पर सिर्फ इंडक्शन रखी हूँ। अब लोग तो देख रहे हो छोटा सा है, उस पर मतलब ये चूल्हा नहीं रख सकती। तो इधर थोड़ी सी जगह है तो उसी में मैं चूल्हा रखी हूँ। थोड़ा इधर अंधेरा है इसलिए थोड़ा सही से नहीं आ रहा लाइट, बट कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से आप सभी को दिखे। सबसे पहले हम कवांच को फ्राई कर लेंगे।
और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरा व्लॉग वीडियो कैसा लग रहा है आप सभी को। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। अब हम इसमें डाल देंगे हल्का सा नमक। और हम उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। कांच मेरा फ्राई हो चुका है दोस्तों, अब हम इसको निकाल लेते हैं। और इसी तेल में हम फ्राई कर लेंगे आलू। तो सबसे पहले हम हरी मिर्च कटे हुए हैं उसको डालेंगे। अच्छे से थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए, अंधेरा है इधर इसलिए कढ़ाई में भी काला दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, आप लोग इग्नोर कीजिएगा। मैं इतने छोटे से किचन में खाना बना रही हूँ आप सभी को दिखाने के लिए। और हरे प्याज है, हरे प्याज का पत्ता वो डाल रही हूँ। और इसके बाद हम डाल देंगे आलू। आलू को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें भी हम डाल देंगे नमक। उसमें भी नमक डाले थे तो नमक अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। तब हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं मसाला। आलू मेरा अच्छे से फ्राई हो चुका है तो मसाले को हम अच्छी तरह से भूनेंगे आलू के साथ। इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर भी मसाले के साथ भुन जाएगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कवाच जो हम फ्राई करके रखे हैं। अब हम इसको ढक करके पकाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कवाच और आलू के सब्जी मेरा कितना अच्छा पक चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे हरी धनिया का पत्ता। लाइट के चलते कलर अच्छा नहीं आ रहा है। कलर बहुत अच्छा है सब्जी का बट लाइट अच्छा नहीं है इसलिए। तो सब्जी मेरा गर्मा गर्म तैयार हो गया है। आप लोग इसे दाल चावल के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी बना है। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए मेरे साथ।